विश्व का वचन भी ये कहता है कि पनहाई करना जो है वो ना भूलना, ना छोड़ना। क्या पता आपने अनजाने में किसी स्वरूप की आबो भावगत कर दी हो और उसकी ब्लेसिंग जो है वो आपके घर तक या आप तक पहुंच गई है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के हम तीसरे खंड में हैं, परमेश्वर का सिंहासन और सात मोहर बंद पुस्तक के बारे में। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय उसके 6 पद से लेकर 10 पद तक के विषय में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय 11 पद से लेकर 14 पद तक के विषय में सीखेंगे। सबसे पहले हम इसका 11वां पद जो है वो पढ़ लेते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो 11वां पद में क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 11वां पद। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। अब ध्यान दीजिएगा, यहां परमेश्वर का वचन क्या है, यूहन्ना क्या है, यूहन्ना अब देख रहा है। अब यूहन्ना जो है वो किस चीज को देख रहा है, वो सिंहासन और चारों प्राणी और 24 प्रचयनों को तो देख रहा है, मगर इसके साथ साथ उनके चारों ओर जो हैं वो स्वर्गदूतों को देख रहा है। और ये स्वर्गदूतों की जो संख्या है ये कम नहीं है, लाखों लाख बल्कि करोड़ों में दी गई है। करोड़ों में जो है वो स्वर्गदूतों की संख्या जो दी गई है उसके बारे में जो है परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि स्वर्गदूत जो है करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत जो है वो है और परमेश्वर की जो है सेवा टहल में लगे रहते हैं। और परमेश्वर जो है ये अपने जो परमेश्वर के जो लोग हैं, जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर पे आस्था रखते हैं, जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, ये उनकी भी सेवा टहल के लिए भेजे जाते हैं। और यदि किसी मनुष्य को कोई संदेश देना होता है तो स्वर्गदूतों के द्वारा भी परमेश्वर जो है संदेश भेजता है। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 14वें पद में क्या लिखा है। क्या ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। जी हाँ, ये जो स्वर्गदूत हैं ये क्या है, ये सब सेवा करने वाली आत्माएं हैं। और ये किनके लिए भेजी जाती हैं, ये उन मनुष्यों के को भेजी जाती हैं जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है। यीशु मसीह आया इस दुनिया में, मनुष्य बनकर आया और वो हमारे लिए बलिदान हुआ और उसके बलिदान होने से हमने विश्वास किया और उसके पवित्र लहू से अपने आप को धोकर शुद्ध और पवित्र किया। यानी हमने पापों से जो उद्धार था वो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिल गया। अब उस उद्धार पाए हुए लोगों की जो सेवा टहल करने की होती है, उनको वो फिर से पाप में ना पड़ जाएं, वो बुराई में ना चले जाएं, कोई उनको उनके जीवन को बर्बाद ना कर दे, तो इस स्वर्गदूत को भेजकर परमेश्वर उनकी रक्षा और सुरक्षा का भी इंतजाम करता है। मगर एक बात याद रखें कि सभी स्वर्गदूतों को नहीं भेजता है, क्योंकि स्वर्गदूतों की भी जो है कैटेगरी है। करूप स्वर्गदूत आया तो करूप को भेजा होगा, या सराफ स्वर्गदूत आया तो सराफ भेजा होगा। तो स्वर्गदूतों की अलग अलग श्रेणियां हैं जिनके बारे में हमें जानना और समझना जरूरी है, तब हम इस चीज को पता कर सकते हैं कि ये करोड़ों स्वर्गदूत जो हैं इनका इनको लाने का लक्ष्य परमेश्वर का क्या है, किस तरीके का है। यहां है मनुष्यों के बीच में कार्य करने वाले जो स्वर्गदूत हैं, देखिए जो मनुष्यों के बीच में जो कार्य करने वाले, पहले मैं उन स्वर्गदूतों के बारे में बताऊंगा, ये पुरुष के रूप में भी होते हैं, जैसे मैं और आप हैं, ऐसे ये जो हैं ये स्वर्गदूत आपके सामने आ जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई इंसान है या कोई आदमी जो है वो आपसे बातचीत कर रहा है। और इसके संबंध में देखिए मैं बहुत सा रेफरेंस आपको दूंगा, आप खुद उसको पढ़िएगा और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिएगा। जब आप उत्पत्ति 18 अध्याय 1 से 2 पद पढ़ेंगे तो अब्राहम जब वो बैठा हुआ था पेड़ एक तले बैठा था, तो उसने 3 पुरुषों को देखा और उन 3 पुरुषों को वो अपने घर लेकर आया, उनकी सेवा टहल करी और बहुत सी बातें करी हैं। और ये जो 3 पुरुष उसने देखे हैं ये जो थे, इन्होंने ही अब्राहम को जो है संतान होने की बात कही है,
सारा से संतान होने की बात कही है, और इन्हीं स्वर्गदूतों ने जो है सदोम और अमोरा की जो शहर थे उनके विनाश की बात भी जो है उन्होंने अब्राहम से कही है। जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 19 अध्याय और 129 पद तक, जब आप पढ़ेंगे ये जो स्वर्गदूत थे ये जब सदोम अमोरा में गए तो वहां पर लूत के घर में ये ठहरे हुए थे। पांचवें पद में आप पढ़ेंगे तो लूत के घर में जो पुरुष के रूप में आए हुए थे ये वहां पर जो थे, वहां के लोगों ने जो लुच्चे लोग थे जो व्यभिचारी लोग थे उन्होंने उन पुरुषों को कहा कि इन्हें हमारे हाथ में कर दे ताकि हम इनके साथ क्या करें व्यभिचार कर सकें। मगर लूत ने उनको जो है उनके हाथ में नहीं किया। फिर बाद में जो वो स्वर्गदूत थे जो लूत के यहाँ पुरुष रूप में ठहरे हुए थे उन्होंने उनको अंधा कर दिया और लूत को और उसके परिवार को बचाया है किस तरीके से, ये सब आप जानते हैं परमेश्वर का वचन जो कहता है। फिर जब आप उत्पत्ति 32 अध्याय उसका 24 पद और उसका 30 पद पढ़ेंगे तो वहां पर जो है वहां पर लिखा है कि कोई पुरुष याकूब से आके मलयुद्ध करने लगा और सारी रात तक वो जो है मलयुद्ध करता रहा। यानी याकूब से जो स्वर्गदूत युद्ध कर रहा है वो एक पुरुष के रूप में आकर युद्ध कर रहा है और वहां पर लिखा कोई पुरुष आकर याकूब से मलयुद्ध करने लगा। ध्यान दीजिएगा आप किस तरीके से परमेश्वर का वचन जो है वो बात करता है। फिर आप जब यहोशू 5 अध्याय 13 से 14 पद तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा है यहोवा की सेना का प्रधान होकर हाथ में नंगी तलवार लिए एक पुरुष सामने खड़ा था, एक पुरुष जो था वो सामने खड़ा हुआ था। फिर जब आप न्यायियों की पुस्तक 13 अध्याय 9 से 11 तक पढ़ेंगे मनोहो की जो पत्नी थी उसको स्वर्गदूत जो है पुरुष के रूप में दिखाई दिया क्योंकि ये दोनों पति पत्नी जो थे ये इनके कोई बच्चा नहीं था कोई औलाद नहीं थी और इसी स्वर्गदूत ने इनको आशीर्वाद देकर इनको बच्चे की परमेश्वर आपको एक बच्चा देगा और किस तरीके से जो है उसका क्या नाम रखना सारी चीजें हैं जो आपको उस डिटेल में मिल जाएंगी न्यायियों 13 अध्याय 9 से 12 तक जब वो सॉरी 11 तक जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज। तो ये पुरुष के रूप में जो कार्य करते हैं इस पृथ्वी के ऊपर हम मनुष्यों के बीच में आते हैं और किस तरीके से परमेश्वर का वचन भी ये कहता है कि पनुहाई करना जो है वो ना भूलना ना छोड़ना। क्या पता आपने अनजाने में किसी स्वर्गदूत कि आबो भावगत कर दी हो और उसकी ब्लेसिंग्स जो है वो आपके घर तक या आप तक पहुंच गई है। तो पनुहाई करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है और कोई भी आपके दरवाजे से या आपके घर से जो है भूखा और प्यासा जाना नहीं चाहिए, चाहे आप किसी को जानते हो या नहीं जानते हो। और अगर वो भूखा प्यासा है, अगर वो कुछ आपसे चाहता है और आपको परमेश्वर ने दे रखा है, आपके अंदर इतनी सामर्थ्य है तो आप उसको दीजिए। दूसरे नंबर पे आते हैं दो पंख वाले सर्वदूत। दो पंख वाले सर्वदूतों के बारे में आपने पढ़ा भी होगा लूका 1 अध्याय उसका 26 से 27 तक। जिब्राइल जो सर्वदूत है वो ये जिब्राइल सर्वदूत दो पंख वाला है, ये संदेश वाहक है और ये परमेश्वर का जो संदेश है एक विशेष संदेश जो लोगों तक पहुंचाता है, जैसे इसने जकरिया को पहुंचाया, जैसे इसने जकरिया की पत्नी थी इलीशिबा उसको पहुंचाया और मरियम के पास भी परमेश्वर का संदेश लेकर जो है ये जिब्राइल सर्वदूत जो है ये गया है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि ये जो है संदेश वाहक जो है ये है और ये दो पंखों वाला है। दो पंखों वाला एक और सर्वदूत है जिसका नाम मिकाएल है। मिकाएल के बारे में जब आप पढ़ेंगे डैनियल 12 अध्याय 1 से 12 तक, ये यहां पर जो है मिकाएल सर्वदूत के बारे में लिखा है। परंतु जब आप नए नियम में आएंगे तो नए नियम में जब आप पढ़ेंगे तो मिकाएल सर्वदूत के बारे में वहां पर लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 7 पद से लेकर 9 पद तक कि मिकाएल और उसके दूत जो है उस शैतान से उस इबलीस से जो है और उसके उसके दूतों से लड़ने के लिए निकले। वहां पर मिकाएल सर्वदूत का जो है वो लिखा। ये मिकाएल सर्वदूत जो है ये रक्षक का सर्वदूत कहलाया जाता है, हमारे और आपकी रक्षा करता है क्योंकि हमारा मलयुद्ध हमारी लड़ाई किससे है, दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है, प्रधानों से है, हकीमों से है, जो हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए हमारी ओर से लड़ने वाला जो होता है वो प्रभु होता है और प्रभु जो है वो लड़ाई करता है। देखिए सर्वदूत के जब वहां करोड़ों सर्वदूत की संख्या दी गई है तो इनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर कहते हैं सराप। सराप जो है यशाया 6 अध्याय 1 से 7 पद में आप देखेंगे ये 6 पंख वाले सर्वदूत होते हैं
और ये 6 पंख वाले सरदूत होते हैं, ये बहुत ही पवित्र होते हैं, ये 24 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में ही इनका चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ होता है। और इनका दर्शन पाना एक बहुत अद्भुत कार्य के लिए होता है। अगर प्रभु के इस सरदूत ने आपको दर्शन देकर कोई बात करी है तो बहुत ही बड़ी जो बात है, बहुत ही पवित्रता की जो बात है, परमेश्वर की ओर से जो भेजी गई है, ये बहुत बड़ी बात है। और यशायाह जो है इसी सरदूत का दर्शन पाता है, एक बहुत बड़ी बात है। जब आप यशायाह 6 अध्याय पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा हो, क्योंकि स्वर्ग की बात होती है उसके अंदर पृथ्वी की बात नहीं, स्वर्ग की बातें होती हैं। और स्वर्ग की उस पवित्रता की चर्चा जो है वो अपने लोगों से परमेश्वर जो है इन सरदूतों के माध्यम से करवाता है। चौथे नंबर पे है करूब। करूब के बारे में जब आप पढ़ेंगे, करूब के बारे में बहुत से रेफरेंस हैं, परंतु मैं ज्यादा रेफरेंस नहीं दूंगा। परंतु आप जो है निर्गमन 25:18-22, निर्गमन 37:8-9, पहला राजा 6:23-28, ये जो है ये 4 पंखों वाले सरदूत होते हैं। ये पवित्र स्थानों में जो है ये वास करते हैं। जैसे कि जब तंबू बनाया जा रहा था तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो वाचा के संदूक पर, जो वाचा का संदूक था उसका जो ढक्कन था, जो प्रायश्चित का ढक्कन कहलाया जाता था, उसके ऊपर ये 2 करूब सरदूत बनाए गए थे। और जो पर्दे थे उन पर्दों के ऊपर बनाए गए थे। और उन सरदूतों की जो है चित्र वगैरह जो है उस पवित्र मंदिर में जो थे वो बनाए गए थे, यानी परमेश्वर की ये उपस्थिति में रहते हैं। और परमेश्वर की उपस्थिति में ये रहते हैं और ये रक्षा का भी काम करते हैं। जैसे जब आदम और हवा ने पाप किया, और जब वो आदम और हवा ने पाप करा और वो अदन की वाटिका से निकाले गए, तो परमेश्वर का वचन ये बताता है, उत्पत्ति 3:24 पढ़ेंगे, कि परमेश्वर ने करूब सरदूतों का, ज्योति में ज्वाला में तलवार तो उसने चारों तरफ लगाई, परंतु उसने करूब सरदूतों का भी पहरा जो था अदन की वाटिका में बैठा दिया, ताकि कोई उसके अंदर आकर उस जीवन के पेड़ में से उस फल को तोड़ के ना खा ले। और इसलिए परमेश्वर ने वो पहरा जो है वो बैठाया गया था, परमेश्वर का वचन कहता है। फिर आते हैं 5वें नंबर पे, जीवित प्राणी। ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 6 पंख वाले भी होते हैं और 4 पंख वाले भी होते हैं। इनको इनका जो नाम सराफ भी होता है और करूब भी होता है। और ये परमेश्वर के समक्ष जो हैं ये हमेशा उपस्थित रहते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 4:6-11 पद में पढ़ सकते हैं, वहाँ 6 पंख वाले हैं। और एजेकेल 1:6-10 पद में जब आप पढ़ेंगे तो ये 4 पंख वाले जो हैं ये वहाँ पर दिखाए गए हैं, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। तो यहाँ पर जो है, जो हमने अभी चर्चा करी है कि उन यूहन्ना जो है उन प्राचीनों के साथ, उस सिंहासन के साथ, उन 4 प्राणियों के साथ जो है लाखों लाख करोड़ों सरदूतों को भी देख रहा है। इन सरदूतों की जो बात करी है, ये सरदूत इस तरीके से इनकी श्रेणी है और इस तरीके से इनका वर्णन जो है परमेश्वर के वचन में किया गया है। आइए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 5:12 पद, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। अब यहां पर जो है परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वध किया हुआ मेमना। जब वध किए हुए मेमने की बात आती है तो सीधी सी बात है, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह की जो है बात कर रहे हैं। अब ये जो मेमना है, ये अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो है, ये किसके योग है, ये सामर्थ के योग है, ये धन के योग है, धन का मतलब स्वर्गीय धन के योग है, ये ज्ञान के योग है, किस ज्ञान की बात हो रही है, स्वर्गीय ज्ञान की बात हो रही है, ये शक्ति आदर महिमा और धन्यवाद के योग है। और यहां परमेश्वर का वचन कहता है, और हमें भी इन सब बातों में लगे रहना चाहिए, प्रभु की सामर्थ में और स्वर्गीय धन को प्राप्त करने में, स्वर्गीय ज्ञान को प्राप्त करने में, प्रभु की शक्ति को प्राप्त करने में, और सारा आदर मान सम्मान हमारे जीवन से प्रभु को होना चाहिए। आइए इसका 13वां पद देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 5:13 पद, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुन्द्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उसमें है ये कहते हुए सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगान युग रहे। अब यहां पर क्या है, देखिए बात वही मेमने की बात आ रही, यानी प्रभु यीशु मसीह की, यानी सब कुछ क्या चीज है, परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, मनुष्यों के बीच में, पृथ्वी के नीचे यानी अधोलोक में,
समुद्र में और जो कुछ भी समुद्र में है अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में जो है, यहां लिखा हुआ है पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में लिखा परमेश्वर का वचन कहता है, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। यानी जो सिंहासन पर बैठा है यानी जीवित और सच्चा परमेश्वर और उसके साथ में जो उसका मेमना है अर्थात उसका जो पुत्र है, इकलौता पुत्र है अर्थात हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, उनका जो है क्या होना चाहिए, धन्यवाद आदर और महिमा जो है वो युगानुयुग तक होती रहनी चाहिए, हमारे जीवन के द्वारा होनी चाहिए। यह परमेश्वर का वचन जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहता है। आइए पांचवें अध्याय का लास्ट पद जो है वो पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्रचीनों ने गिरकर दंडवत किया। देखिए अब ये चारों प्राणी, आपने पिछले संदेश में सुना होगा इन चारों प्राणियों के बारे में, इन्होंने क्या, जब ये सारी चीजें हुई और ऐसा होना चाहिए, उन सरदूतों के माध्यम से ये संदेश पहुंचा, तो उन चारों प्राणियों ने क्या करा, आमीन कहा कि ऐसा ही हो जैसा ये सरदूत जो हैं, ये लाखों लाख करोड़ों सरदूत जो वर्णन कर रहे हैं, ऐसे ही हो, परमेश्वर की महिमा परमेश्वर का आदर परमेश्वर का सम्मान युगानुयुग तक होता रहे। और जैसे ही उन्होंने आमीन करा है, उन्होंने गिरकर 24 जो प्राचीन थे उन्होंने गिरकर जो है उनको दंडवत करी, किसको, जो सिंहासन पर बैठा अर्थात परमेश्वर को और उस मेमने को अर्थात यीशु मसीह को जो है उन्होंने दंडवत करी है कि असारा आदर मान सम्मान के योग्य यो है और इसे यानी आराधना के योग्य तू है, स्तुति के योग्य तू है और तू ही सारी चीजों के योग्य है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर जो है यीशु मसीह जो है वो आदर मान सम्मान के योग्य है, हमारे जीवन से भी उसको आदर मान सम्मान हमेशा मिलना चाहिए क्योंकि ये सब कुछ युगानुयुग तक उसी का है और उसी के लिए होना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।